पहाड़ों पर सतत बरफ वर्षा थई रही छे, તેવામાં બાબા બદ્રીનાથના ધામમાં પણ બરફવર્ષા થઈ રહી છે। બાબાના કપાટ બંધ છે, પણ આઈટીબીપી સતત ભારતના છેલ્લા છેડાની સુરક્ષામાં જોતરાયેલી છે। બાબા બદ્રીનાથમાં ભારે બરફવર્ષા બાદ અદ્ભુત માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। આમ તો ત્યાં હાલના સમયમાં માત્ર સેનાના જવાનો જ અવરજવર કરી શકે છે, પણ બરફવર્ષા બાદ બાબા બદ્રીનાથ ધામ કેવું લાગે છે, આસપાસ કેવો સુંદર નજારો છે તે આપ ઘરે બેઠા નિહાળી શકો। બાબાના ધામના કપાટ ભલે બંધ હોય, ભલે ત્યાં એક પણ સામાન્ય નાગરિક ન દેખાતા હોય, પણ અહીંના 24 કલાક સુરક્ષા કરી રહ્યા છે આપણા જવાનો। આટલી ઠંડીમાં કેવી રીતે સુરક્ષા કરી રહ્યા છે જવાનો, સાંભળીએ। मैं देखा हूँ तो आपने चप्पल पहन रखी और एक पतला सा स्वेटशर्ट पहन रखा, आपको ठंड नहीं लगती? नहीं, ठंडा लगता है, लेकिन अभी मैं तब तक उनके नीचे से सफाई करके आए। हाँ। वहाँ जहाँ नारद जी का आश्रम है वहाँ से सफाई करके। हाँ। फिर वहाँ जूते तो ले जाए नहीं जाते। हाँ। इसलिए वहाँ से आए थे। हाँ। लेकिन फिर भी उतना महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास उतना साधन भी रहने के लिए, ओढ़ने के लिए हर चीज का साधन है, पहनाव के लिए। बाकी बद्रीनाथ जी की कृपा, सब उनके चरणों की कृपा है। तो आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, जहाँ पर कोई सालों में आप आता है वहाँ आप महीनों रहते हैं, तो अपने आप में अपने आप को लगता है कि मैं बाबा की मुझ पर बहुत कृपा है। बिल्कुल सर, हमें प्राउड होता है उस चीज को कि हमें धाम के ऐसी सेवा करने का वक्त मिलता। सर भागशाली तो जो भी मानिए, यहाँ पे बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर आता है जो बाबा के दरबार में ड्यूटी करने का मौका मिलता है। और बाकी ठंड की बात है, ठंड तो आप देख ही रहे, हम लोग यहाँ पे काफी दिनों से हैं तो थोड़ा कम असर होता है ठंड का। अब बॉडी यूज हो गई है, मैंने कम सेट हो गया ना इस ठंड में। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर बिहार का। बिहार की मिट्टी का खून है ये। कितने दिन पे घर जाने को मिलता है? तीन महीने, चार महीने। चार महीने, तो चार चार महीने बाबा के प्रांगण में रहने को मिलता है यहाँ। हाँ सर, अच्छा लगता है यहाँ पे? अच्छी बात है सर। अच्छा लगता है? हाँ सर, अच्छा लगता है। टफ है लेकिन? टफ है लेकिन अनुभव उतना नहीं होता है। अच्छा, रहते रहते हम लोग यहीं पे सेट कर गए।